हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, सीआई का हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में भी हम एक अन्य प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसको सीखना है, बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कहा गया है, किसी धन पर 2 वर्ष का SI 120 रुपया तथा CI 129 रुपया हो तो धन तथा दर ज्ञात करना है। अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए क्या कहा, क्वेश्चन को समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कहा गया है, किसी धन पर 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI दिया गया है, यानी 2 वर्ष का जो है आपका SI इसमें दिया गया है। चलिए, 2 वर्ष का SI दिया गया है 120 रुपया और 2 वर्ष का ही CI दिया गया है 129। तो हमसे पूछा है धन तथा दर ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है और रेट ज्ञात करना है। बनाने के क्या तरीका है वो जरा देख लीजिए। इसको दो तरीका से हम आपको बताते हैं। देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है 120 रुपया ना, 2 वर्ष का SI 120 रुपया। तो SI जो होता है प्रत्येक साल का बराबरे बराबरे ना होता है। एक साल का मान लेते हैं 1 रुपया आया था, दूसर का साल का भी 1 रुपया आएगा, क्योंकि SI जो होता है हर एक साल का बराबर आता है। तो 120 रुपया है तो 2 साल में 120 रुपया हुआ है, तो एक एक साल को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला साल 60 रुपया मिला होगा और दूसरा साल भी 60 रुपया मिला होगा। अब देखिए, अब CI को जरा ब्रेक कीजिए, 129 रुपया है तो CI हो चाहे SI हो, पहला का साल बराबर होता है, जितना CI होता है उतना ही SI भी होता है। तो ये 60 हो जाएगा, आप प्लस का कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 129 लाना है ना, 60 प्लस 69 करेंगे तब ना 129 आएगा। इस 120 था तो 60 60 दो बराबर भाग में आ गया। अब यहाँ इसमें क्या हुआ कि CI क्या होता है कि दूसरा साल अलग हो जाता है, थोड़ा SI पहला का साल से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 69 हो गया। इसको ब्रेक डाउन आपको ऐसे ही करना है हर एक क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको, रेट निकालना है यानी दर निकालना है। चलिए, दर कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, कितना बढ़ गया है, 9 ना बढ़ गया, देखिए कितना बढ़ गया है, 9 बढ़ गया है, तो 9 को ऊपर रखिए, कितना से बढ़ गया था, 60 से बढ़ गया, 60 को नीचे रखिए, गुना कर दीजिए 100% से, ठीक है। चलिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से ही 3 बार में, 3 से ही 2 बार में, 2 से ही 5 बार में, तो दर कितना आ जाएगा, 5 TI का 15% दर आ जाएगा। यहाँ से आप दर निकालना सीख गए। और देखिए, जब रेट आपके पास 15% आ चुका है और टाइम 2 साल दिया गया है और SI भी आपको पता है 120 रुपया, तो आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, निकाल लीजिएगा ना। देखिए, हम यहाँ से SI प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा प्रतिशत में, क्योंकि SI वैल्यू में दिया गया है, तब 15 × 30% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो 120 रुपया दिया गया है वो 30% का ना वैल्यू है, SI प्रतिशत में 30 रुपया में 120, तो कह सकते हैं कि 30% का वैल्यू 120 है, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 गुना 100 और बटा का क्या 30, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, मूलधन, ये मूलधन निकल गया 400, रेट निकल गया 15%। एक और तरीका आपको बताया था, जिस तरीका से हम इसको बना सकते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है CI/SI = 1+R/200। यहाँ से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी रेट निकाल सकते हैं, CI/SI रख दीजिए, CI कितना दिया गया है तो 129 दिया गया, SI कितना दिया गया 120 दिया गया, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, R बटा का 200 हो जाएगा। एक को इधर ले आइए, एक को इधर ले आइएगा, तो 129 माइनस का 120 और बटा का 120 हो जाएगा। अब नहीं समझे तो हम डायरेक्ट नहीं करते, चलिए 129 बटा का 120 माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर R/200 हो जाएगा। अब 120 माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा उसके देख लीजिए, 120 माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 बटा का 120 बराबर कितना, R/200, काट दीजिए 1 जीरो से 1 जीरो, अब कट सकता है तो ये 3 से 3 बार में आई, 3 से ही 4 बार में, 4 से कितना बार में, 5 बार में, तो आर बराबर कितना हो गया, 15% हो गया कि नहीं हो गया। तो इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरीका से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, चले दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्या कहा गया है सुन लीजिए, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया एवं चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया है तो धन तथा दर ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा है कि 3 वर्ष बाद CI एवं SI में कितने रुपए का अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें 2 वर्ष का आपको दिया गया है SI, 2 वर्ष का SI दिया गया 800 रुपया
और 2 वर्ष का ही सीआई दिया गया है आपको 832 रुपया। इतना क्लियर है। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 400 आप प्लस का ये 400, ये क्या हो जाएगा 400 आप प्लस का ये 432। इतना तो कर लेते हैं। जब दौड़ निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, कितना हो गया है वो जरा देख लीजिए, ये 32 ज्यादा हो गया है ना, चलिए ठीक है 32 ज्यादा हो गया, कितना से तो 400 से ज्यादा हो गया, अगुना का 100%, एक दो खत्म हो जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से दौड़ कितना आ गया 8% आ गया। तो दौड़ जब 8% आ गया तो ऐसा ही निकाल लीजिए प्रतिशत में कितना, 8 × 2 = 16 हो जाएगा क्या हमारा एसआई हो जाएगा, और एसआई दिया कितना गया है वो देख लीजिए 800 रुपया, यानी सीधा कह सकते हैं कि 16% का वैल्यू 800 रुपया है, प्रतिशत में 16 और रियल में 800, तो मूलधन हमेशा 100% का वैल्यू होता है, तो 800 और गुना का 100 हो जाएगा और बटा का 16 हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, यानी 5000 रुपया क्या निकल के आ गया, 5000 रुपया हमारा निकल के आ गया मूलधन। तो ये पहला क्वेश्चन में हमको रेट पूछा था, रेट 8% मूलधन 5000 रुपया, और पूछा है कि 3 वर्ष बाद सीआई माइनस एसआई कितना होगा वो बड़ा बता दीजिए। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष के लिए सीआई एसआई क्या होता है वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, तब पी होता है I×R/100 का R/100 का whole square और इंटू जो होता है 300 आप प्लस R/100 क्या होता है 100 होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। यहाँ से लगा देंगे पी कितना है 5000 है, R/100 करना है, R का स्क्वायर करना है मतलब 8 का स्क्वायर, यानी कि 8×8 और बटा का क्या 100×100 यही ना, और 300+R 300+R यानी 300 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 308 और बटा का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1, 2, 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 5 से कितना बार में खत्म हो जाएगा 2 बार में, और 2 से कितना बार में खत्म हो जाएगा 2 से 4 बार में खत्म हो जाएगा, बाकी सबको गुना कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 32 और गुना का 308 और बटा का 100 हो जाएगा, गुना करने के बाद ये कितना जाएगा वो जाएगा 9856, कितना हो जाएगा 9856 और बटा का 100। आप क्या करना है, अब आगे क्या करना है, नीचे में 2 गो 0 है ऊपर में दशमलव डाल देंगे मतलब 98.56 रुपया। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो जाएगा 9856 रुपया का। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप प्रॉपरली समझ लिए, यहाँ आपको 2 ट्रिक बताए हैं, दोनों ट्रिक में किसी ट्रिक का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि और भी हम आपके लिए इम्प्रूव कर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।